हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीटी 60 डेज स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है 60 दिनों की रणनीति। और आप 60 दिन लेकर चलिए दोस्तों कि आपका 60 डेज के नियर अबाउट एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज आपका है कितना तारीख दोस्तों? 9 तारीख है शायद, हाँ 9 नवंबर है, 9 अक्टूबर है। यहां तक अगर आज दोस्तों 9 अक्टूबर है तो फिर 9 नवंबर और 9 दिसंबर, ये आपको डेट दिख रहा है ना, 9 नवंबर 9 दिसंबर, यानी कि 2 मंथ आप लेकर चलिए, 60 डेज लेकर चलिए, अर्थात 2 मंथ आप लेकर चलिए दोस्तों। इसी में आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा फुल पूरा तैयारी कर लेनी है। तैयारी कैसे करनी है, चीजों को क्या करना है, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो जरूर समझ पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एनसीटी 2020 की जो प्लेलिस्ट है ना, एनसीटी 2020 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर वहां से क्लासेज आप सभी के लिए है, क्लासेज को जाकर देखिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्लासेज बना रखा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, देखना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसका जो है एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। भाई सही बात है, एग्जाम डेट तो क्लियर नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। एडमिट कार्ड कब आएगा? 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दोस्तों आ जाएगा, यह भी बात आप जानते हैं। लेकिन आप 60 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। 60 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा करने वाले क्या है। सबसे पहले आप स्टार्ट के 30 डेज को उठाइए। 60 दिनों को मैं दोस्तों दो भागों में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार एक डिवाइड कर रहा हूँ 30 डेज में, और एक डिवाइड कर दे रहा हूँ 30 डेज में। यहाँ पे 60 डेज को आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, 30 दिन और 30 दिनों में। शुरू के जो 30 दिन है ना, इसमें आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए विद डिटेल, ठीक है ना। सिलेबस को क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बता रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या हो रहा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने एनसीटी पहली बार फॉर्म को फिलअप की, इससे पहले आपने कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया था, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है कि पहली बार आप फॉर्म को फिलअप किए हैं, तो आपका कहीं ना कुछ स्ट्रांग जोन होगा और कोई ना कोई वीक जोन होगा, यह भी आप बात समझ लेंगे दोस्तों। इन 30 दिनों में जो भी आपका वीक जोन है, ठीक है ना, जो भी आपका वीक जोन है ना, उसको क्या कर लेना, स्ट्रांग कर लेना है। चीजों को समझिएगा ध्यान से, जो भी आपका वीक जोन है ना, उसको आपको क्या कर लेना, स्ट्रांग कर लेना है, ठीक है ना। वीक जोन को आपको स्ट्रांग करना है। अब वीक जोन को स्ट्रांग कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, जो भी आपका वीक जोन इसको स्ट्रांग करेंगे। जैसे आपका इंग्लिश है वीक मान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक रहता है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश की पड़ी हुई है ना, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इंग्लिश की कोई बुक है तो उस बुक को रेगुलर आप पढ़िए 30 दिनों तक। क्या करिए, रेगुलर आप 30 दिनों तक पढ़िए, और बाकी अदर सब्जेक्ट जो हमारे पास बच रहे हैं ना, उन सब्जेक्ट को भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। जो अदर सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है ना, उन सब्जेक्ट को भी आपको रिवाइज करना है। ये नहीं करना कि उन चीजों को ऐसे आपको छोड़ देना, ये नहीं करना, उन सब्जेक्ट को भी आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये तो आप स्ट्रांग कर लीजिए जो भी आपका वीक है। अब बात करेंगे सर ये 30 दिनों में क्या करें। 30 दिनों में आपको यहाँ 30 दिनों में सारी चीजों को स्ट्रांग कर लेना है। इन 30 डेज में ओनली आपको रिवाइज करना है। जी हाँ दोस्तों, इन 30 डेज में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ये नहीं करना कि दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा हम रट्टा मार कुछ भी। दोस्तों रट्टा मारने का प्रयास मत करिएगा, चीजों को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आप रट्टा मारते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। रट्टा मारने का प्रयास दोस्तों नहीं करना, आपको ओनली रिवाइज करना है। ये नहीं 30 दिनों में रिवाइज करिए, इंग्लिश मैथ रीजनिंग सारा का सारा रिवाइज कर दीजिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट एसएससी का किसी का भी, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इन 30 दिनों में आपको जो भी आपका वीक है उसको आप स्ट्रांग करिए, और इन 30 दिनों में ओनली आपको रिवाइज करना है। ये बात समझ गए ना एनसीटी स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा आगे करते हैं बात। अब दोस्तों प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है एनसीटी 2020 करके, आपके लिए ही बना रखा हूं, तो उसको देखा करिए आप सभी लोग, ठीक है ना। और आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम एडवांस मैथ का क्लास अलग है, तो उसको देखा करिए, कोई भी दिक्कत ना। हर एक तरीके हर एक चैप्टर को दोस्तों मैंने कंप्लीट कर रखा मैथ का। अब देखिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना।
आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हम करंट अफेयर किस मंथ से किस मंथ तक पढ़ें, तो दोस्तों आपको करंट अफेयर जनवरी से पढ़ना। मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जनवरी 2020 से करंट अफेयर को दोस्तों फोकस करिए और करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं क्या करने वाला हूँ, जनवरी मंथ का करंट अफेयर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये जनवरी मंथ का क्या करने वाला हूँ दोस्तों, करंट अफेयर में सेंड करने वाला हूँ। तो जनवरी मंथ का सबसे पहले करंट अफेयर शेयर करूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी के लिए टॉप 100 क्वेश्चन जो है सेंड करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है ना। टॉप 100 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और दोस्तों ये बात बता दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप इसको करना है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन सभी मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने वाले हैं, और उसपे ऑप्शन भी ट्रिक है, ठीक है ना। उसपे ऑप्शन भी इस तरह से ट्रिक है, मतलब कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही है ना, उस पर ट्रिक मारा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको उसको करना और देखना है कि अपना आप कितना स्कोर उसमें कर पा रहे हो, ठीक है ना, कितना स्कोर कम कर पा रहा हो, किस सेक्शन में आपकी वीकनेस है। जो भी सेक्शन आपका वीक है ना, उस पर आप क्या करिए, फोकस करिए। फोकस का मतलब है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने का प्रयास करिए, और दोस्तों कम से कम 8-10 घंटा रेगुलर पढ़िए, ठीक है ना। 8-10 घंटा दोस्तों रेगुलर पढ़िए तो ही आप कुछ कर पाओगे। अगर आप 8-10 घंटा रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। रेगुलर पढ़िए और चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब ही एडमिट कार्ड आएगा तो मैं बता दूंगा डाउनलोड कैसे करना है, और आपको एडमिट कार्ड कब आएगा बता दूंगा मैं, कंटिन्यू लगा हूँ उसके लिए, ठीक है ना। किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। आपकी क्या राय है, एग्जाम डेट कब हो सकता है जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार 1-2 महीना भी बाकी एग्जाम होने में, तो फिर कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। कट ऑफ कितना जाएगा सारा चीज एग्जाम बाद में बता दूंगा, एग्जाम एनालिसिस करूंगा, सारा चीज करूंगा दोस्तों। बस आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स।